नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। भारत बंद के तहत मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा नगर के बीएचयू गेट से रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का समर्थन कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने रास्ते में पड़ने वाले दुकानों में दुकानदारों को फूल देकर दुकान बंद करने की अपील की एवं सरकार से आर्थिक आरक्षण देने की मांग भी उठाई। बंद क्योंकि सर हम लोग यहाँ भारत बंद एक सौजन्य तरीके से कर रहे हैं। हम विरोध हिंसा नहीं कर रहे, हम फूल देके तमाम दुकानदारों और उनका सपोर्ट भी मिल रहा है कि अच्छा है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। इसके लिए हम प्रयत्नरत हैं, वो हमारा सहयोग करें। आने वाले तमाम ऐसे दिनों में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग इससे बड़े आंदोलन के लिए बात। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो एक युवाओं के लिए एक मैसेज है कि मतलब हमारी जनता एकदम पीड़ित हो चुकी है, हमारी सारे युवाएं पीड़ित हो चुके हैं आज के डेट में कि मतलब नंबर लाते हुए पढ़ते हुए भी जिनके माँ बाप के घर में खाने के लिए नहीं है, वो अपना जमीन बेच के अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करवाते हैं और उनके लिए नौकरी नहीं दिया जाता है। तो इसी के मुद्दे पे हमें सारे युवाओं को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बनारस होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस के तहत घोषित 5 दिवसीय कार्यक्रम के क्रम में मंगलवार को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सी एफ सैमुसन हैनीमैन जयंती पर नगर के बीएचयू से रविदास गेट तक होम्योपैथिक की जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण व हरे झंडे दिखाने के साथ हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सभी चिकित्सा पद्धति की कुछ विशिष्ट पद्धतियां होती हैं और होम्योपैथिक में कम खर्च में लोगों का अच्छा इलाज किया जाता है। कार्य योजना के अनुसार प्रोजेक्ट समाप्ति के पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के द्वारा मंगलवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ई कंटेंट ज्योतिष गणित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम का विकास पर किए गए कार्य की समालोचना एवं सुधार पर विचार विमर्श के साथ ही ज्योतिष में अभिनव प्रयोग विषय पर देश के प्रख्यात विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करने के साथ हुआ। बता दें कि विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर शुभम त्रिपाठी द्वारा ज्योतिष विभाग के संरक्षण में प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरल संस्कृत भाषा में पाठ्यक्रम डिजाइन कर किया गया है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नगर छात्र निकाय द्वारा विगत फरवरी में आयोजित उन्मेष 2017-18 कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में विजेत छात्रों को पुरस्कृत करने हेतु मंगलवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन छात्र निकाय के सभागार में किया गया, जहां मुख्य अतिथि कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डीसी राय ने 90 विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य संरक्षक जेपी सिंह द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पुरस्कार प्राप्त कर सभी विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तत्वावधान में सोमवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी तिवारी ने दीप प्रज्वलन करने के साथ किया। तत्पश्चात समाज कार्य के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रभारी कुलपति प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भारत में स्वास्थ्य की स्थिति एवं महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की चर्चा की। इसी क्रम में डॉक्टर बंसीधर पांडे समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शैला परवीन व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।